मेरे मोहतरम सामईन, हमें हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना एहसानुल हक़ साहब दामत बरकातुहुम ने दौरान दरस फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जमातें बनाई और दुनिया में फैल गए और हर जमात की तादाद 1000 तक होती थी। उर्दन, फ़लस्तीन, शाम, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, अमारात, मस्कत, यमन, ईरान, आज़रबैजान, खुरासान, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, इन तमाम मुल्कों तक 11 साल में इस्लाम पहुंचा। फ़लस्तीन से लेकर अफ़ग़ानिस्तान तक सब इस्लाम में दाखिल हो गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का 12वां साल शुरू हुआ तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तवज्जो फ़लस्तीन से मग़रिब की तरफ हुई। मिस्र में इस्लाम 22 हिजरी में पहुंचा। लीबिया, त्यूनस, अलजज़ायर, मराकश, इन तमाम मुल्कों में 3 या 4 साल में इस्लाम पहुंचा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 17 साल बाद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम चले यूरोप की तरफ। तो यूरोप में फ़्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इन तमाम मुल्कों में इस्लाम 40 साल में पहुंचा। 40 साल के अरसे में करोड़ों काफिर इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम पे चलने वाले और इस्लाम को फैलाने वाले बन गए। फिर उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि दीन जब भी ज़िंदा हुआ है तो कुर्बानियों से ज़िंदा हुआ है। दीन के ज़िंदा होने के लिए पहली शर्त कुर्बानी है। आज हमें अगर ये मदारिस नज़र आ रहे हैं, मराकिज नज़र आ रहे हैं, मसाजिद नज़र आ रहे हैं, सरों पे टोपियाँ नज़र आ रही है, चेहरों पे दाढ़ियाँ नज़र आ रही है, उलमा और तुलबा नज़र आ रहे हैं, दीन का शमा जलता हुआ नज़र आ रहा है, इसके पीछे कुछ लोगों की कुर्बानियाँ हैं कि उन्होंने सब कुछ अल्लाह ताला के दीन के मेहनत पर लगा दिया, जिसका समरा आज हमें नज़र आ रहा है। तो दीन के ज़िंदा होने के लिए पहली शर्त कुर्बानी है। जब कुर्बानी होती है तो उसका समरा ज़रूर निकलता है।